लाइव सिटीज के एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। कुंडली के ग्रह दोष जीवन तबाह कर सकते हैं, इसलिए इनका जल्द से जल्द उपाय कर लेना चाहिए। और साथ ही काल स्पर्श दोष को बेहद ही ज्यादा खतरनाक माना गया है, तो आइए जानते हैं कि इसे पहचानने के लक्षण क्या है। ज्योतिष शास्त्र में जातक की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उसका भविष्य फल बताया जाता है, और ये ग्रह जातक के जीवन पर शुभ अशुभ असर डालते हैं। साथ ही कुंडली में ग्रहों के कारण दोष पैदा हो रहा है, तो उसे दूर करने का उपाय जल्द से कर ले, ताकि उसके अशुभ असर से बचा जा सके। और साथ ही कुंडली में काल स्पर्श योग होना या फिर काल स्पर्श दोष होना बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए काल स्पर्श दोष का जल्द से जल्द उपाय कर ले, वरना आर्थिक शारीरिक और मानसिक परेशानियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि काल स्पर्श दोष ऐसे बनता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली के ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाती है तो उसे काल स्पर्श दोष कहा जाता है, क्योंकि ज्योतिष में राहु को काल कहा गया है, इसका मतलब मृत्यु होता है। तो वहीं स्पर्श को केतु का अधिदेवता कहा जाता है, इसलिए इस दोष को काल स्पर्श दोष कहते हैं। और कुंडली में काल स्पर्श दोष हो तो ग्रहों के शुभ फल भी नष्ट हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि काल स्पर्श दोष के लक्षण क्या है। जिन जातकों की कुंडली में काल स्पर्श दोष होता है, उन्हें कई तरह की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे जातक की तरक्की, विवाह, कामों में बाधाएं आती हैं। और साथ ही कुंडली में काल स्पर्श दोष का होना व्यक्ति को संतान संबंधी कष्ट भी देता है, या तो संतान नहीं होता या फिर संतान को कई कष्ट रहता है। तो वहीं आपको बता दें कि काल स्पर्श दोष के कारण व्यक्ति के करियर में बार बार रुकावटें आती हैं और कामकाज में हानि होता है। तो वहीं सपने में बार बार सांप दिखना भी कुंडली में काल स्पर्श दोष होने का लक्षण होता है। वहीं आपको बता दें कि काल स्पर्श दोष के उपाय क्या है। काल स्पर्श दोष निवारण के लिए शनिवार को बहते जल में कोयला प्रवाहित करें, सोमवार शिवरात्रि या नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर चांदी के नाग नागिन अर्पित करें, और साथ ही चांदी के नाग नागिन बहते पानी में प्रवाहित करना भी काल स्पर्श दोष निवारण का अच्छा उपाय है। साथ ही आपको बता दें कि सावन के महीने में काल स्पर्श दोष निवारण के उपाय करना भी सर्वोत्तम माना गया है, तो आप इन उपायों को जरूर अपनाएं, क्योंकि काल स्पर्श दोष को बेहद ही ज्यादा खतरनाक माना गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।